नमस्कार सुक्रेडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेडर। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी एक कमाल का इंटरव्यू लेकर के आया है। उस इंटरव्यू में केवीएस मदान सर, जिन्होंने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की बुक लिखी है, वो लाइव इंटरेक्ट होंगे और जिसमें अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर है आपसे केवीएस मदान सर से क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह से स्ट्रेटजी बना जाए, किस तरह से प्लानिंग किया जाए, प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए और एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में किस तरह से हाई स्कोर नंबर लेकर के आया जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें केवीएस मदान सर लाइव आपसे जुड़ेंगे, वो भी 27 नवंबर को, और जो टाइम है वो है 6 PM। तो आप लोग देरी ना करते हुए, जो लोग एनटीए यूजीसी की नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लें ताकि आपको केवीएस मदान सर से बात करने का, उनको सुनने का मौका मिल सके, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा ये प्रिपरेशन। तो देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर के इनरोल जरूर करें और केवीएस मदान सर को एक बार जरूर सुने। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि बीएससी के बाद बीटेक करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि बीएससी के बाद बीटेक करने जाना चाहिए या फिर और कुछ करियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं। देखो, अगर आप बीएससी किए हो, बैचलर ऑफ साइंस किए हो, तो आपको अगर आईआईटी में जाना, बहुत सारे लोगों का होता है कि सर बीएससी कर लिए क्या आईआईटी जैसे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। आईआईटी जैम है, आईआईटी जैम के थ्रू आप एमएससी कर सकते हो वहां पे आईआईटी के कॉलेज में जाके। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या बीएससी के बाद एमएससी, आप बीएससी के बाद बीटेक कर सकते हैं या नहीं। देखो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप बीटेक में आ सकते हो। मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर हो तो बेहतर होगा आपके लिए कि बीटेक करने आओ, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं। तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है ना, तो बीएससी के बाद बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, एक साल कम हो जाता है बीटेक, तो 3 ईयर्स का बीटेक होगा। मतलब आप समझ लो कि बीएससी के बाद अगर टेक्निकल टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बीटेक करने का डिसीजन लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मास्टर करना है तो आप एमएससी की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो बीएससी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, टेक्निकल फील्ड में रहना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो भी आप बीएससी के बाद बीटेक करने आ सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कभी मत आओ बीएससी के बाद बीटेक करने, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है। 12th के बाद आप 3 साल बीएससी करते हो, फिर 3 साल बीटेक, 6 ईयर स्पेंड करते हो, 4 ईयर की डिग्री, 6 साल में लगभग समझ लो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो वहां पे लोग अपना पेशेंस खत्म होने लगता है लोगों का। तो अगर आपके अंदर पेशेंस, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप करियर ब्राइट नहीं होता, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं बीटेक के बाद। जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम होते हैं, आप एमटेक करने जा सकते हो, उसके बाद फिर और भी करियर ऑप्शन होते हैं, टेक और नॉन टेक दोनों गवर्नमेंट जॉब में अपीयर हो सकते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कोप होते हैं आपके लिए। तो अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि अगर बीएससी के बाद आपने बीटेक कर लिया तो गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी वहां पे भी है, लेकिन ट्राई करो कि अगर आप बीएससी के बाद मास्टर कर लो या फिर गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ तो भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो गलत कर दिया, बहुत गुनाह हो गया। आपका डिसीजन है, फैसला आपका, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि किसी के कहने पे आपने, अरे यार उसने बीएससी के बाद बीटेक कर लिया था, बहुत पैसा कमा रहा, तो मैं भी जाऊं, मैं भी कर लूं, बहुत पैसे कमाऊंगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है तो आप कभी मत आना करने के लिए बीएससी के बाद बीटेक। तो बस इस वीडियो में इतना है, मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता था, बताना चाहता था, फैक्ट बताना चाहता था, रियलिटी बताना चाहता था, कि जो आप लोगों को पता चल सके कि बीएससी के बाद बीटेक करना कितना परसेंट सही है या गलत है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।